आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। घर में कुछ बढ़िया सा टेस्टी हेल्दी बट फास्ट, तो ऐसे में कोई अगर दाल के कबाब टिक्की बने तो कैसा रहेगा। इसको बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मसूर का, और ये जो मसूर है होल मसूर ले रहा हूँ मैं इसमें, तो ये होल मसूर। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, स्वाद टेस्ट के लिए तेल इसके अंदर, और इसके साथ साथ अब इसके अंदर जीरा, और जीरा डालने के बाद में इसमें रफली चॉप प्याज, इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर गार्लिक और कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें मैं डाल देता हूं ये पानी में भीगी हुई मसूर। मसूर को करीब आधा घंटा भिगोने के बाद ही इसके अंदर डालें, और इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार, और मसालों में बढ़िया क्वालिटी के मसाले, ये हल्दी, हल्दी के साथ साथ धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सब चीज़ें ज़रा मिक्स कर देता हूँ, और उसके साथ साथ इसमें पानी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसूर जो है उसको हमने पकाना है, लेकिन मसूर में पानी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ढक्कन लगाकर अब इसको पकने देते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखिए पका के, और इसके बाद इसे हमने पीस लेना है। चलिए, इस मसूर को हमने पीस लिया, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है अभी वो पेस्टी कंसिस्टेंसी है। इसमें हम डाल सकते हैं ब्रेड क्रम, तो मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम बनाए हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम बनाने के लिए आप ब्लेंडर के अंदर फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस डालें, घुमा दें, ब्रेड क्रम तैयार। अब देखिए ये ड्राई हो गया है, इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा कुछ अलग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है ये पिकल, और ये जो पिकल है नटमेग का पिकल है मेरे पास। ये नहीं, नटमेग का पिकल इतनी आसानी से आपको घर पे नहीं मिलेगा, आम का पिकल हो, नींबू का पिकल हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज नहीं चाहिए, थोड़े छोटे पीसेज, या उसका मसाला वो इसके अंदर स्टफ़ करना है। किसके अंदर बताता हूँ, हल्का सा हथेली में तेल लगाया, और यहाँ पर तवा मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। टिक्की कबाब जो भी बनाना है, इसको बड़ा छोटा कितना आपने बनाना है, ये देखिए लड्डू के साइज़ का बना दिया मैंने। और फिर इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे ये जो पिकल मेरे पास है। बस पिकल इसके अंदर भरा, और वापस टिक्की जैसी शेप दे दी, और इसे पकाने के लिए ये नॉन स्टिक पैन, इसको सेकने के लिए रख देते हैं। बस इसी तरह से बाकी जितने कबाब हैं, टिकियां हैं, इसी तरह से हमने बना ले ली। वाह, ज़रा इसको पलट लेते हैं। ये जो कबाब है काफ़ी न्यूट्रिशियस, हाई प्रोटीन, होलसम, ब्रेकफास्ट में खाना है, लंच में खाना है, डिनर में खाना है, स्नैक में खाना है, कभी भी खा सकें।